हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 31 जनवरी 2021 को रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि फेज टू की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है और आज से जो फेज थ्री की एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जो भी क्वेश्चन मुझे मिले थे वो मैंने सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप यानी एमजे स्टार एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिए। तो अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं प्रश्नों के तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि हर्षचरित्र के रचयिता कौन है, तो हर्षचरित्र के रचयिता जो है वो बाणभट्ट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्लांट को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो प्लांट को ऊर्जा जो है वो सनलाइट से मिलती है, तो इसका राइट आंसर सनलाइट हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, दूति चंद ने 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने सेकंड में बनाया, तो दूति चंद ने जो है 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड 11.22 सेकंड के अंदर बनाया था, तो इसका राइट आंसर 11.22 सेकंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रॉबर्ट क्लाइव भारत इंग्लैंड से भारत कब आया, तो रॉबर्ट क्लाइव जो वो इंग्लैंड से भारत 1765 में आया था, और इसके पहले जो 1757 से 1760 तक इसका पहला कार्यकाल था भारत में, और दूसरा कार्यकाल जो है 1765 के अंदर ये इंग्लैंड से भारत आया तब स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है, तो जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए थे राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर विधान परिषद हो जाएगा, बिकॉज राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है, तो भारत की जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, और दूसरे नंबर पर चीन के संग सबसे लंबी सीमा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई, तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है वो 2015 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर 2015 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ग्रेफाइट की वैलेंसी क्या है, तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट की वैलेंसी भी जो है वो 4 हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2021 का महाकुंभ कहाँ होगा, तो 2021 का जो महाकुंभ होने वाला है वो हरिद्वार के अंदर होने वाला है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ढोला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ढोला नृत्य जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य, जिसके अंदर आपको ऑप्शन भी दिए थे गोवा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा जो एक गैर नृत्य साथी के अंदर घूमर नृत्य और उदयपुर भवई नृत्य, ये भी जो है राजस्थान के नृत्य है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा के कितने प्रतिशत मेंबर मंत्री बन सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो वो 15% मेंबर हो जाएगा, और ये अधिनियम जो है वो 91 संविधान संशोधन की मदद से लाया गया था 2003 में, जिसके अंदर नक्की किया गया था कि 15% मेंबर ही जो है वो लोकसभा या विधानसभा के अंदर मंत्री रह सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बद्रुद्दीन तैयब जी थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत के बारे में किस वेद में बताया गया, तो संगीत के बारे में जो वो सामवेद के अंदर बताया गया, तो इसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। और कल के शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, और हम्पी जो वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, 2020 का बेस्ट क्रिकेटर टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड, यहाँ पर डेकेड होगा, डेकेड का किताब किसने जीता, तो ये किताब जो वो स्टीव स्मिथ ने जीता था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चंद्रयान प्रथम किस तारीख को असफल रहा, तो चंद्रयान प्रथम जो है वो 29 अगस्त 2009 को जो है वो असफल हुआ था, और इसे जो है 22 अक्टूबर 2008 को जो है PSLV C-11 रॉकेट से प्रक्षेपित किया था, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी रेलवे के द्वारा पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रैम किस प्रकार का डिवाइस है, तो रैम जो है वो एक प्रकार इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धूपगढ़ किस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है, तो कल किस शिफ्ट के अंदर जो है
अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था, और आज के शिफ्ट के अंदर जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पूछा गया था। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और पंचमणि को जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, नर्मदा और तापी नदी के बीच के अंदर जो वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रानी पद्मावती कहाँ से थी? तो रानी पद्मावती जो वो चित्तौड़गढ़ से थी, और राणा कुंभा ने जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर कीर्ति स्तंभ की निर्माण कराया था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, FTP का फुल नेम क्या होता है? तो FTP का फुल नेम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेशनल वाटरवे 3 किस राज्य में है? तो नेशनल वाटरवे 3 जो वो केरल के अंदर स्थित है, और ये जो 205 किलोमीटर का है, और ये कोल्लम से कोट्टायम तक बनाया गया है। आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, EDD का फुल नेम। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन GK GS के जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे, और आज जो है कुछ स्टूडेंट का पेपर था तो लेट क्वेश्चन मिले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ Star Education को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।